हाय, तो अब हम श्रीशैलम के होटल में आ गए हैं और रूट बहुत ज़्यादा लंबा है। हैदराबाद के शमशाबाद से इतना ज़्यादा लंबा रूट है ना, दिमाग ख़राब हो गया हमारे बैठे बैठे। और होटल्स तो आप अगर कभी आओ तो पहले से होटल्स बुकिंग करके आना, और वरना मिलेगा नहीं मिलेगा। धर्मशाला भी यहाँ तक कि फुल हो चुका था सारा। फिर ले दे के प्राइवेट होटल्स था तो वहीं पे मिला, तो वही पता है कितना खोजते खोजते मिला फाइनली। अब और आगे मिला होगा नहीं मिला होगा, तो हम सोचे कि चलो इसी में एडजस्ट कर लेते हैं। तो कल हम शायद मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे सुबह में, आज यहीं पे स्टे करेंगे। तो देखते हैं, कल हालत बहुत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा। मैं अभी अपने होटल के कॉरिडोर में हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मतलब सब जगह का व्यू सुंदर होता है, ग्रीनरी किसे नहीं अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये है हमारा होटल का रूम, यहाँ पर भी है, ये पूरा शायद होटल ही है। और यहाँ पर बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। आप आना तो एक्चुअली यहाँ पे एक चेक पोस्ट होता है जो फॉरेस्ट होके गुजरता है, तो वो 7 बजे बंद हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आना तो आप 7 बजे के पहले आना, वरना वो जो चेक पोस्ट है वो फॉरेस्ट में टाइगर वगैरह सब रहते हैं, तो इसीलिए अलाउ नहीं करते हैं लोग। और सच्ची बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा थकी, बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। कुछ मैंने क्लिप्स लिया है तो मैं वो ऐड कर दूँगी, आप वो सब देखना। और अभी बस खा पी के आराम करना है। और हमने मतलब हमारा कुछ पहले से प्लानिंग ही नहीं था, बस जाना था तो आ गए हैं। अगर आप कभी आते हो यहाँ पे श्रीशैलम में तो उसके लिए स्पेशल दर्शन के लिए टिकट भी ले लेना, वरना आपको लाइन लगा कर, लाइन तो उसमें भी लगा रहेगा स्पेशल में भी, लेकिन जनरल लाइन में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि दर्शन ईजी हो तो आप पहले से टिकट बुक कर लेना, होटल्स भी बुक कर लेना। होटल्स के यहाँ पे बहुत चक्कर है, आप होटल्स पहले से बुक कर लेना, आपके लिए बहुत इजी होगा, मतलब सही रहेगा। और आजकल तो गूगल में रेटिंग्स का ज़माना है ही, रेटिंग्स देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग होटल्स बुक कर लेना। हमने कुछ नहीं किया है, हम घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे और फाइनली एक जगह होटल मिला। कहीं होटल नहीं मिला, सारे रूम्स फुल हैं, सारे रूम्स अवेलेबल ही नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। फिर पता नहीं कहाँ कहाँ से वही लोग, जहाँ पे हम लोग जा रहे थे तो वही लोग मुझे हमें गाइड किए कि हाँ यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे होटल मिल जाएगा, रूम मिल जाएगा, मिल ही गया। चलो फाइनली भगवान का शुक्रिया, क्योंकि मेरा बेबी बहुत परेशान कर रहा था। वो मतलब अभी पलटना चालू किया है ना, तो वो बस बोलता है कि सारा टाइम उसको बेड पे छोड़ दो, वो पलटेगा, फिर क्रॉल, मतलब क्रॉल करके, वैसा पूरा प्रॉपर क्रॉल नहीं करता है, क्रॉल करने का प्रैक्टिस करता है, तो आगे चलते रहता है। तो इसीलिए वो खोज रहा था भाई गोदी में, वो भी तो बच्चा है ना, हम बड़े इंसान इतना थक गए हैं तो वो तो बच्चा हो तो और ज़्यादा थक गया होगा। देखते हैं कल सुबह नहा धो के दर्शन करके, दर्शन करने जाना है। और इतना बारिश भी हो रहा था ना, दिमाग खराब। एक्चुअली हम थोड़ा लेट से निकले थे, हम 1 या 1.5 बजे से निकले थे, तो इसीलिए बहुत लेट हो गया था। आप कोशिश करना कि थोड़ा जल्दी निकला करें, 10-11 बजे निकल जाने से बहुत अच्छा रहता है, अगर आप हैदराबाद से आ रहे हो तो। वरना अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप देख लो, बस शाम मत होने देना, आप दिन भर में आ जाओ, ऐसा टाइम देख के चलना। कल देखते हैं कल का ब्लॉग, बाय। तो यहाँ पर हम जिस होटल में चेक इन किए थे वहाँ पर लंगर सिस्टम जैसा था, वहाँ पर टोकन कटवा के खाना खाना होता था, और वहाँ पर पूरा प्रॉपर वेज खाना था, पूरा टिपिकल साउथ इंडियन खाना था। तो वहीं पर हम बैठे थे, ऐसा खाना खा के ना बहुत अच्छा लगता है, मेरे पापा को तो बहुत पसंद आया था। वो खुश है पूरा खाली सिस्टम साउथ इंडियन, मेरे पापा को ऐसा बहुत पसंद आया। और मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ दर्शन करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी फ़ोन अलाउड नहीं होता है, यहाँ का साउथ इंडियन में यही होता है कि यहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं होता है। अभी हम मंदिर सब श्रीशैलम मंदिर जाने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रहा है, और हम छाता भी कैरी नहीं किए, सिर्फ एक ही छाता है।
भैया अब हमारा टाइमिंग जो स्लॉट हमें मिला था वो तो निकल गया है, और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर भी बुद्धा भी रेडी हो गया, बस हम बारिश का रुकने का वेट कर रहे हैं, लेकिन बारिश को देख के लगता नहीं कि बारिश आज रुकने वाली है। देखते हैं क्या क्या जा सकता है। एक ही छाता हमारे पास और हम 6 मेंबर्स हैं बुद्धा को मिला के साथ। नीचे का भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। नहीं होगा तो छाता हमें खरीदना ही पड़ेगा, वरना दर्शन नहीं हो पाएगा।